में लगातार बढ़ती चोरियों ने पुलिस के नाक में दम कर दिया है। वहीं लगातार हो रही चोरी की वारदातों से शहरवासियों में भी भय का माहौल बना हुआ है। बीती रात को भी चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलते हुए ब्यावर के 3 मुख्य जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए अज्ञात चोरों ने 35,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने शहर के सेदरिया पावर हाउस के सामने रजनी देवी पत्नी श्याम सिंह के सरस डेयरी बूथ को निशाना बनाते हुए चोरों ने डेयरी का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया तथा गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखी 4500 रुपए की नकदी तथा 5000 रुपए का सामान चुरा कर मौके से फरार हो गए। चोरी की घटना डेयरी बूथ के समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी, जिसमे 4 नकाबपोश युवक चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित रजनी देवी ने चोरी की शिकायत श्री थाना पुलिस को दी है। इसी प्रकार से मेवाड़ी गेट के बाहर निवासी मीठा लाल के जैन के मकान में बनी एमआर डिस्पोजल की दुकान का ताला तोड़ते हुए उसमें घुसे चोरों ने गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखी 15,000 के नकदी पार कर ली। इस दौरान जाते हुए चोरों ने मकान मालिक मीठा लाल जैन के कमरे का ताला तोड़ उसमें रखी अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखी 10,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना की शिकायत दुकानदार राजेश जैन तथा पीड़ित मकान मालिक मीठा लाल जैन ने सिटी थाना पुलिस को चोरी की घटना की लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने तीनों पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल शाम को है फैक्ट्री बढ़ा करके गया था और अज्ञात चोरों ने जो रात्रि में 15,000 रुपये की चोरी ताला तोड़कर 15,000 की चोरी कर ली थी और मेरे मकान मालिक के कमरे में से अलमारी और कमरे का ताला तोड़ करके उन्होंने 10,000 रुपये की चोरी कर ली और अन्य सामान बिखेर कर चले गए।